शो का अपने चैनल पे स्वागत करता हूँ और आ गए हैं पार्ट थर्ड में, जिसमें हम आपको बताएंगे कि आपको कौन से इम्पोर्टेंट एग्रीकल्चर क्वेश्चन दोहराने हैं। क्योंकि ज़्यादा पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं, आप उतना ही पढ़िए जितना आपके लिए आवश्यकता है और उसी में क्वालिफाई हो जाइए। तो आज का टॉपिक हम लेकर आए हैं जो कि ऐसे ही डेली लेकर भी आते हैं, तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल पर, जिससे आप अगर BHU, UP कैटेट, IBPS, AFO या किसी भी एग्रीकल्चर एंट्रेंस एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं और आपको मिल सकते हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करते हैं, ज़्यादा बहस नहीं करते हैं टॉपिक पे, सीधे टॉपिक पे चलते हैं। तो आज का टॉपिक हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराने वाले हैं जो कि एग्रीकल्चर है। ये क्वेश्चन जो है ये हर बार पूछे जाते हैं, हर पेपर में पूछे जाते हैं, इसलिए मैं इसे पहले करा रहा हूँ। तो आज पार्ट थर्ड है, सब्सक्राइब कर लीजिए और चलते हैं आगे बताते हैं। तो सबसे पहला चीज़ है कि सेव का कौन सा भाग खाया जाता है। ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि सेव का कौन सा भाग खाया जाता है, तो आपको मैं बता दूं कि जो सेव का भाग होता है वो गुद्देदार पुष्प होता है और वही खाया जाता है, और कुछ भाग नहीं खाया जाता। ये आपका BHU में, UP कैटेट में कई बार क्वेश्चन ये पूछा जा चुका है, तो आप इसे दोहरा लीजिएगा। अगला नेक्स्ट है पपीता का उत्पत्ति स्थान। तो पपीता जो है उसका उत्पत्ति स्थान बात करें तो उष्ण अमेरिका है। कौन सा है? उष्ण अमेरिका। हाँ, यहाँ पे उष्ण हो गया तो ये मिस्टेक है, तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि कौन सा फल वसा का धनी स्रोत है, मतलब सबसे ज़्यादा किसमें वसा होता है। तो अगर उसकी बात कर ले तो बादाम होता है, और बादाम एक सीड भी होता है और फल भी होता है, क्योंकि आप देखते हैं आप इसका यूज करते हैं, अगर कोई व्रत रहता है तो वो बादाम का यूज़ करता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और आपको बताते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आम का कौन सा किस्म, आम का कौन सा किस्म, आम का कौन सा किस्म सबसे ज़्यादा निर्यात होता है। तो आम का जो किस्म होता है जो सबसे ज़्यादा निर्यात होता है, अल्फांसो। कौन सा होता है? अल्फांसो होता है जो कि सबसे ज़्यादा निर्यात किया जाता है। अगला नेक्स्ट है अखरोट में कुल वसा का प्रतिशत, अखरोट में कुल वसा का प्रतिशत कितना होता है। तो ये सबसे ज़्यादा क्वेश्चन, ये सब जो भी करवा रहा हूँ मैं, सबसे ज़्यादा पूछा गया, तो प्लीज़ इसे देखें और राइट करते हुए जाएं, नोट्स बनाते हुए जाएं, क्योंकि हम इम्पोर्टेंट टॉपिक इसलिए पढ़ा रहे हैं कि जिससे आप पास हो सको। अब मैं क्लियर नहीं 99% आपको बता रहा हूँ, अगर कोई बच्चा मेरा ये नोट्स पढ़ ले और पास अगर नहीं होता तो बताइए, हम उस दिन चैनल ये बंद कर देंगे, कोचिंग पढ़ाना बंद कर देंगे। आप पास हो जाओगे 99% बता रहा हूँ, 1% हो सकता है जो आप नहीं पास पा। सारे नोट्स मैं जितना भी यहाँ पे लिखवा रहा हूँ, पढ़वा रहा हूँ, अगर आप उसे याद करके जाएंगे तो किसी भी UP कैटेट, चाहे आप उसका MSc का, PG का दे दीजिए, चाहे BSc का दे दीजिए, सब में ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आप पास हो सकते हैं। चलिए बताते हैं अखरोट में कुल वसा की प्रतिशत कितना होता है। तो 64%, तो 64.4 अगर लिखा रहेगा उसमें ऑप्शन में तो आप नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट है कि आम का कौन सा भाग खाया जाता है। आप जानते हैं कि आम का कौन सा भाग खाया जाता है? मुख्य फल भित्ति खाया जाता है। क्या खाया जाता है? मुख्य फल भित्ति खाया जाता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और आपको बताते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि कौन सा शहर बागों के नाम से जाना जाता है। तो जानिए कौन सा शहर होता है बागों के नाम से जाना जाता है। तो जो लखनऊ है, जो लखनऊ शहर है वो क्या कहा जाता है, उसे ही कहा जाता है कि बागों का शहर। क्या कहा जाता है? बागों का शहर कहा जाता है, यहाँ पे लखनऊ आप देख रहे हैं। अगला नेक्स्ट है अकरवती। अकरवती किस फल का, अकरवती किस फल का संकर किस्म है। तो अकरवती जो है वो अंगूर का, किसका? अंगूर का संकर किस्म है। तो ध्यान दीजिएगा, अकरवती अगर कभी भी किस्म पूछा जाए तो वो जान जाइएगा कि अंगूर का है। किसका है? अंगूर का। नेक्स्ट है टमाटर के कैचअप में प्रयोग होने वाला रसायन। जब आप टमाटर का कैचअप बनाते हैं तो उसमें कौन सा रसायन यूज होता है वो जानिए। सोडियम
बेंजोएट क्या होता है? सोडियम बेंजोएट का यूज करते हैं टमाटर के का केचप बनाते समय, जो रसायन यूज होता है वो सोडियम बेंजोएट होता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भारत का कौन सा राज्य, सॉरी यहाँ पे स्पेलिंग लिखा गया, भारत का कौन सा राज्य फलों का सर्वाधिक उत्पादन करता है? तो भारत का जो महाराष्ट्र है, क्या है, महाराष्ट्र राज्य है, वो फलों का सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है। किसका उत्पादन? फलों का सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन करता है? महाराष्ट्र राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टमाटर में लाल रंग किसके कारण होता है? अक्सर पूछा जाता है टमाटर में लाल रंग किसके कारण होता है, तो बता दूँ, लाइकोपीन के कारण आपके टमाटर का लाल रंग होता है। किसके कारण? लाइकोपीन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि संसार में किस फसल का उत्पादन तथा क्षेत्रफल सब सर्वाधिक है? संसार में किस फसल का उत्पादन तथा क्षेत्रफल सर्वाधिक है? तो आपको बता दूं, धान ऐसी एक क्रॉप है, ऐसी फसल है जिसका उत्पादन और क्षेत्रफल भी अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि मक्का की पत्तियों के शीर्ष का सफ़ेद होना सूचक है। जब मक्का की पत्ती होती है वो सफ़ेद हो जाती है, वो किसके कारण होती है? तो बता दूँ आपको, जिंक की कमी की वजह से होती है। किसके कारण? जिंक की कमी की वजह से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सर्वाधिक कार्बोहाइड्रेट किस खाद्यान्न में पाया जाता है? तो बता दूँ, सर्वाधिक कार्बोहाइड्रेट वो न तो गेहूँ पाया जाता है, न तो चावल में पाया जाता है, वो पाया जाता है आपके मक्का में। किस में पाया जाता है? मक्का में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और आपको बताते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि आयरन की सर्वाधिक मात्रा किस में पाया जाता है? तो आपको बता दूँ, आयरन की जो सर्वाधिक मात्रा होता है सेव में। आप देखते होंगे जब सेव काटते हैं तो कुछ देर रखने के बाद वो रेड हो जाती है, मतलब जैसे मुरचा नहीं लगती है, लोहे में जंग लग जाता है, वैसा कलर हो जाता है, तो वो लोहे के कारण ही होता है। तो सबसे ज़्यादा आयरन किस में पाया जाएगा? सेव में पाया जाता है। तो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और आपको बताते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका है कि ये पूछा गया है कि थायमीन की सर्वाधिक मात्रा वाला फल कौन सा है? थायमीन की सर्वाधिक मात्रा वाला फल कौन सा है? तो काजू ही ऐसा फल हो जाता है जिसमें थायमीन सबसे अधिक पाया जाता है। काजू ऐसा फल है जिसमें थायमीन सबसे अधिक पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वाधिक पुष्प उत्पादन करने वाला राष्ट्र, सर्वाधिक पुष्प उत्पादन करने वाला राष्ट्र तो नीदरलैंड होता है। क्या होता है? नीदरलैंड ही ऐसा है जो कि सर्वाधिक पुष्प उत्पादन करता है। ये एक प्रकार एक राष्ट्र है, अगला मतलब देश है। आगे, चाय का जन्म स्थान कहाँ है? अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाय का जन्म स्थान कहाँ है? तो आपको बता दूँ, चाय का जन्म स्थान चीन, और चीन से ही आया था सभी देशों में चाय। तो चाय का जन्म स्थान कहाँ है? चीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और आपको बताते हैं। तो गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और आपको बताते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन लग गया है और हम उसको बताते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन पूछा गया है कि सेब का उत्पादन शीर्ष राज्य है, मतलब ऊपर से सबसे ऊपरी कौन सा राज्य है जो कि सेब सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है? तो सबसे ज़्यादा उत्पादन की बात करें तो जम्मू कश्मीर है जो कि सेब का सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है। वही अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वाधिक रबड़ उत्पादन राष्ट्र कौन सा है जो कि सबसे ज़्यादा रबड़ उत्पादन करता है? तो थाईलैंड जो है देश है जो कि सबसे ज़्यादा आपका उत्पादन करता है रबड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुफरी किस फसल की किस्म है? तो आलू की किस्म है। किसकी? कुफरी जो होता है वो आलू की किस्म है। तो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और आपको बताते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चलिए तो बताते हैं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि नारियल
नारियल उत्पादन राष्ट्रों में भारत का कौन सा स्थान है? तो आपको बता दूं, नारियल उत्पादन में भारत का जो स्थान है वो तीसरा स्थान है। कौन सा स्थान है? तीसरा स्थान है। कौन सा स्थान है? तीसरा स्थान है, जो कि नारियल उत्पादन में तीसरा स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और आपको बताते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लगाते हैं और आपको बताते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूर्यमुखी का जन्म स्थान कहाँ है? तो आपको बता दूं, सूर्यमुखी का जन्म स्थान है उत्तरी अमेरिका। कहाँ है? उत्तरी अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि सर्वाधिक विटामिन ए किसमें पाया जाता है? सर्वाधिक विटामिन ए किसमें पाया जाता है? तो आपको बता दूं कि पके हुए आम के फल में सर्वाधिक विटामिन पाया जाता है। पके हुए आम के फल में सर्वाधिक विटामिन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि सोडा वाटर होता है, वो पेय जल होता है, तो उसमें कौन सा पदार्थ मिलाया जाता है? तो सोडा वाटर में आपको बता दूं कि CO2 मिलाया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या मिलाया जाता है? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि कपास के किस भाग से रेशे प्राप्त होते हैं? तो आपको बता दूं, न तो तना से होती है, न तो जड़ से होती है, तो कपास के सीड होते हैं, जो बीज होते हैं, उसी से क्या होते हैं? रेशे प्राप्त किए जाते हैं। उसी से क्या प्राप्त किए जाते हैं? रेशे। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पूसा बोल्ड एक प्रजाति है, जो पूसा बोल्ड है वो किसकी प्रजाति है? सरसों की है, धान की है, किसकी है? तो आपको बता दूं कि सरसों की प्रजाति है। पूसा गोल्ड किसकी प्रजाति है? सरसों की प्रजाति है। तो चलिए स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और आपको बताते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि अरहर का जन्म स्थान कहाँ है? तो आपको बता दूं, अरहर का जो जन्म स्थान है वो भारतवर्ष है। वो क्या है? भारतवर्ष है आपका अरहर का जन्म स्थान। अगला नेक्स्ट है कारनाल बंट, जो कारनाल बंट होता है वो किस फसल में लगता है? तो आपको बता दूं, ये गेहूं की फसल में लगता है। अब जानते हैं कि गेहूं की सीड, जैसे ये सीड है गेहूं की, तो ये सीड में सड़न पैदा हो जाती है। ये गेहूं की मान लीजिए सीड है, और इस सीड में क्या हो जाती है? काले काले कलर की, ब्लैक कलर की फंगस टाइप्स के लग जाते हैं, और ये काले हो जाते हैं, जैसे काला हो जाता है, पूरा सीड ही काला हो जाता है। तो उसी को कहते हैं करनाल बंट। उसे क्या कहते हैं? करनाल बंट। और इसी को करनाल बंट रोग कहते हैं। ये गेहूं में होता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और आपको बताते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि राज 3077 ये एक किसकी प्रजाति है? मतलब जो राज 3077 ये किसकी प्रजाति है? तो आपको बता दूं, गेहूं की प्रजाति है राज 3077। तो स्टूडेंट, आज हमने आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कराए हाई फाई एजुकेटर से। अगर आप चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि कल फिर आएगा, एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कराया जाएगा, पार्ट 4 रहेगा। तो आप अगर नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए। अगर शेयर नहीं करना चाहते तो मत करिए, लेकिन शेयर कर दीजिए, जिससे हर किसी को फ़ायदा मिल जाए। और हाँ, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि अगर आपने हमारे नोट्स को पढ़े तो 99% आप क्वालिफाई कर जाओगे। अगर नहीं किए क्वालिफाई मेरे नोट्स पढ़ने के बाद, तो बताइएगा, उस दिन YouTube बंद कर देंगे, चैनल भी क्लोज कर देंगे, कोचिंग भी बंद कर देंगे। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए चैनल को और वीडियो को देखिए, और इसका नोट्स बनाइए। ये नहीं कि आप वीडियो आधा देखते हैं, आधा देखने के बाद बंद कर देते, तो इससे कुछ होने वाला नहीं है। पूरा वीडियो देखिए, जिससे आपको अच्छा नॉलेज मिलेगा। तो चलिए स्टूडेंट, फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।